देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश आज उनको नमन कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाने वाली उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको नमन करते हुए कहा, 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को अपने सरकारी आवास के बाहर से फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ के हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक, भारत की एकता और अखंडता के आजीवन समर्पित रहने वाले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता तथा अखंडता के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय तमाम षड्यंत्रों को बेनकाब करने का कार्य सरदार पटेल जी ने किया था। भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्र भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं पावन जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी, लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति भक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है, यह वर्ष भारत के आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। यह वर्ष देश की आजादी के लिए अपने को बलिदान करने वाले चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना के उन सभी बलिदानियों की स्मृति की शताब्दी वर्ष भी है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में देश की आजादी को लेकर के वहां के स्थानीय किसानों ने, मजदूरों ने, नागरिकों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। देश के क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर के उस समय उस राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले चोरी चोरा कांड के रूप में भारतीय इतिहास में उसे स्थान मिला। तो चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का भी शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक रूप से आजादी की लड़ाई और आजादी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण तिथियां हम सबको अपने सनातन और पुरातन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता है।